Hi everyone, welcome back to my channel. This is Anmol Talreja and I hope आप लोगों का revision बहुत अच्छे से चल रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप. और इसी के साथ मैं पार्ट थ्री चैप्टर वन की ले आई हूँ और आज हमारा पार्ट थ्री कंप्लीट हो जाएगा. मतलब ओवरऑल चैप्टर वन हमारा फिनिश हो जाएगा, बिकॉज यू नो चैप्टर नंबर वन बहुत ज्यादा लेंदी है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है. तो आप प्लीज चैप्टर वन बहुत अच्छे से करना. अब 16 मार्क्स तो इजीली आप इसी चैप्टर के अंदर से स्कोर कर सकोगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग, कल हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर लिए थे. आज लास्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. सो देर आर फोर फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. वन इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड वन दैट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड फोर्थ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. आपको पता है आज अगर अपने को आगे चलकर MBA भी करना हो तो हम इन एरियाज में कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन MBA के अंदर. तो आप सेपरेटली मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर MBA कर सकते हो, HR मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हो. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट को जनरली हम शॉर्ट में MM, HR मैनेजमेंट को HRM, और फिनेंशियल मैनेजमेंट को FM एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट को PM. तो शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं. और इन चारों में से 3 मार्क्स का कोई ना कोई एक टॉपिक होगा ही होगा आपके एग्जाम में. जैसे मैंने कल आपको बताया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टॉप बॉटम मिडल में से एक ना एक होगा ही होगा, इसी तरीके से फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के ये 4 टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक होगा ही होगा. ओके, सो यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ. आपको पता है मार्केटिंग मैनेज करना, मार्केट. सो यू नो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर एंड बट द मार्केटिंग इज डिफरेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी. दिस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. मतलब प्रोड्यूसर से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का जो काम है, जो फंक्शन है, उसके बीच में जितने भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो स्टॉक मेंटेनेंस हो, चाहे वो अपने को फिनेंशियल अरेंजमेंट करना हो, चाहे हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, सो एवरी वर्क इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट की सबसे पहले शुरुआत होती है मार्केट रिसर्च से, बिकॉज मार्केटिंग मैनेजर को हमेशा 2 चीजों को दिमाग में रखना होता है कि सबसे पहला चीज तो आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. दिस इज द मेन एम ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, इज टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स. एंड ऐसा नहीं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही खाली, लेकिन प्रोड्यूसर को प्रॉफिटेबिलिटी भी करवाना. ठीक है, सो दैट इज द एम ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट. And its main activity is to create demand in the market. By how to create demand? Okay. So this is the meaning of marketing management. अगर 1 mark में आपसे पूछे या फिर MCQ में आपसे पूछे, what is the aim of the marketing management? So that is profit plus customer satisfaction. Nowadays, अभी तो even society, भाई society को भी importance देने लग रहे हैं, environment को importance दिया जा रहा है customer satisfaction के साथ साथ. तो फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग के मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं. सो यू नो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च करना होता है. मार्केटिंग रिसर्च के बाद इवन हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर की डिमांड कैसी है, क्या चाहता है कस्टमर, कितने प्राइस पर जाता है, कौन से कॉम्पिटिटर्स है. तो ये पूरा रिसर्च करना पड़ता है अपने को मार्केट रिलेटेड. एंड देन उसके बाद हम लोग गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह, और फिर हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट. और फिर उस प्रोडक्शन के बाद इवन वो प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा होगा, वो प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उसका ग्रेडेशन किया जाएगा, क्वालिटी देखनी पड़ती है, ISI मार्क्स लगते हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एग मार्क लगा जाता है. देन ग्रेडेशन में भी इवन लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, कैसे क्वालिटी का, डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से उसको ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे इवन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं. उनका पैकिंग देखते हैं कि उनका पैकिंग कैसे होगा, उसका रैपर किस तरीके से पैक होगा, कलर ऑफ द पैकिंग एंड ऑल. एंड पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज अ साइलेंट सेल्समैन, राइट. ये चीज
बच्चों को आई थिंक पता हो कि पैकिंग ही इकलौता ऐसा है साइलेंट सेल्समैन का काम करता है. एडवर्टीजमेंट सेल्समैनिंग करने की जरूरत ही नहीं है. जैसे हमको पता है कि येलो वाला वेफर, वी नो दैट इज बालाजी कंपनी, है ना. ब्लू वाली लेस, हम लोग जैसे ही शॉप पे जाते हैं हम लोग बोलते हैं ब्लू वाली लेस देना भैया जी. तो हमको पता है वो पैकिंग, वो कलर से ही, वो पैकिंग का कलर से ही हमको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है और कंपनी के बारे में. सो पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. देन ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे करना है गुड्स का, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स, एजेंट्स और रिटेलर्स. सो वो सब चीजें इसी के अंदर आती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर. देन प्राइस, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है. प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, सेल्स प्राइस, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस, एमआरपी के बारे में बात हो रही है. तो वो एमआरपी कैसे डिसाइड होगी, अगर हम लोग इनडायरेक्ट सेल करते हैं तो होलसेलर का मार्जिन क्या होगा, रिटेलर का मार्जिन क्या होगा, वो सब चीजें देखी जाती है, राइट. फिर एडवर्टीजमेंट, सो एडवर्टीजमेंट भी इवन हम लोगों को देखनी पड़ती है कि कैसे हमको एडवर्टीजमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ रेडियो, टीवी और बैनर्स, होर्डिंग्स कैसे लगाए जाएंगे, सेल्स प्रमोशंस कैसे होगा, पब्लिसिटी कैसे होगा. तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है. दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट. और इवन यहाँ पे खत्म नहीं होता ये सारी चीजें. इवन आफ्टर सेल सर्विसेज, भाई प्रोडक्ट कस्टमर तक दे पहुंचा दिया, दैट इज नॉट इनफ. इवन आफ्टर सेल सर्विसेज भी मतलब प्रोवाइड करनी पड़ती है हमको. सो दीज ऑल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड द ऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट वर्क्स ऑन द फोर पीस. दैट फोर पीस, दैट इज द फर्स्ट वन प्रोडक्ट, सेकेंड वन प्राइस, थर्ड वन प्लेस एंड फोर्थ वन प्रमोशन. सो आपसे ये 3 marks में पूछे जा सकते हैं कि वॉट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो यहाँ पे 4 P's आपको एक्सप्लेन करने हैं. सो फर्स्ट वन, दैट इज अ प्रोडक्ट मिक्स. अ प्रोडक्ट मिक्स क्या है, दैट इज अ डिसीजंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. के प्रोडक्ट की साइज क्या होगी, प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का वेट कैसा है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसा है, उसका शेप कैसा है. सो इस सब चीजों के रिलेटेड जो डिसीजन लेने पड़ते हैं उसी को हम लोग प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं. सेकेंड आ जाता है प्राइस मिक्स. सो प्राइस मिक्स, यू नो प्राइस अपने को आज के टाइम पे बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस कस्टमर डिमांड्स, राइट. यही डिमांड करता है कस्टमर, वांट्स दिस, अच्छे से अच्छा गुड बट रीजनेबल प्राइस पे. तो प्राइस, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करनी पड़ती है सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मार्जिन क्या है. इवन नेक्स्ट आ जाता है प्लेस, या फिर प्लेस को इवन हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर डायरेक्टली सेल करना, और इनडायरेक्ट सेलिंग मीन्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर सेल करना, विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स. दीज ऑल आर द मीडिएटर्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर. तो ये इनडायरेक्ट सेलिंग हो जाती है, तो वो डिसाइड करना उसके रिलेटेड. देन प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या आ जाता है, प्रमोशन मिक्स का सबसे मेन काम यही है कि सेल्स बढ़ाना, प्रोडक्ट के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना. तो प्रमोशन के 4 चीजें आ जाती है प्रमोशन के अंदर. हम प्रमोट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करके, पब्लिसिटी करके, माउथ पब्लिसिटी हो, राइट. सेल्स प्रमोशंस एज यू नो, जैसे बाय वन गेट वन या 50% ऑफ सेल, सेल सेल, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है. सो दीज आर ऑल्सो द टेक्निक्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन. ओके, यस. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये 3 mark का क्वेश्चन है. हाँ, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये 3 mark में पूछ सकते हैं. व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, या 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इस तरीके से. नेक्स्ट आ जाते ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, राइट. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सो यहाँ पे मेन काम यही है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है कंपनी का, उसके दिमाग पे अगेन 2 चीजें होती है.
हमने मार्केटिंग में देखा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज मार्केटिंग मैनेजर का वो काम होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉयज के स्किल्स, एम्प्लॉयज की प्रोफिशिएंसी बढ़ाते रहना, उनका करियर डेवलपमेंट, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, इंटरव्यूज, ये वो सब चीजें लेना करना, ये सारे जो भी काम है वो एचआर मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था स्टाफिंग, स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एचआरएम नाउअडेज, बिकॉज इन मॉडर्न टाइम्स अभी आजकल सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। Okay, so what is human resource management? This is the definition. Human resource management, which takes into consideration matters like proficiency, intelligence, personal development, necessity. मतलब human resource management के अंदर हर चीज को considered किया जाता है। जो manager होगा, HR manager होगा, वो सब चीजें considered करेगा। Employees की proficiency, employees के intelligence, personal development, उनकी necessities क्या है, etc. of employees, और उसी को चाहेगा, कोशिश करेगा, इंटीग्रेट करना चाहेगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ। बिकॉज जो भी एम्प्लॉय बिजनेस में जाता है तो उसके पर्सनल गोल्स भी होते हैं, तो पर्सनल गोल्स एंड बिजनेस गोल्स दोनों को कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ओके, ताकि एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट हो सके, एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई हो सके और बिजनेस की भी सक्सेस हो सके, बिजनेस में भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ द एचआर मैनेजर, और जो भी एक्टिविटीज इसके लिए करनी पड़ती है वो सारी एक्टिविटीज एचआर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। दिस इज अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स, और इसमें से आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो 3 मार्क्स में पूछेंगे तो मीनिंग और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग या तो इम्पोर्टेंस, 6, तो 6 ही मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आप फटाफट से भाई इन 6 को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो एचआरएम इंक्लूड, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, एचआरएम इंक्लूड सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, ये सब एक्टिविटीज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, सब चीजें आ जाती है इसके अंदर। देन बेसिक फंक्शन इज टू मैनेज द एम्प्लॉइज, ऑफ कोर्स। देन कंड्यूसिव, एक सेकेंड, कंड्यूसिव मीन्स अ प्रॉपर, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज विच बूस्ट देयर एफिशिएंसी। Then evaluates the performance of employees. So ऐसा नहीं है कि employees को सब चीजें, but उनके performance को check करना कि वो कैसा काम कर रहे हैं। So इसके लिए काफी techniques होती है। आप आगे चलकर कभी भी अगर आप HR management सीखते हो या उसी में आप अगर MBA वगैरह करते हो तो आपको सिखाएंगे कि even employees की परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाता है, उनका सेल्फ अप्रेजल भी होता है, इवन एम्प्लॉयज को खुद को ही बताने का भाई हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज एचआर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे तो एक बेसिक आपको कंसेप्ट जस्ट बताया हुआ है। देन प्रोवाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज फॉर द जॉब एंड ट्राइज टू मेंटेन द एम्प्लॉयज फॉर द लॉन्गर पीरियड। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज सेटिस्फाई करना, लेबर टर्नओवर कम करना, that is the function of HR management. Importance आ जाते हैं HR management के, क्या होगा अगर proper HR management किया जाएगा तो efficiency बढ़ेगी, क्योंकि employee satisfied है, employees खुश होंगे, उनको अच्छा training दिया जा रहा है, उनका morale boost up किया जा रहा है, labor turnover decrease हो जाएगा, and you know efficient employees are the strength of the business, so prestige of the business, goodwill of the business also increase. And maximum utilization of resources become possible because employees are satisfied. They'll try to give more and more. अच्छे से अच्छा जितना वो output दे सकते हैं, जितना वो efforts provide कर सकते हैं business को, वो करेंगे because वो family की तरह treat करेंगे कि हाँ यार हम भी इसी business के part है और हम लोग अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि वो खुश होंगे। क्यों खुश है? Because HR मैनेजमेंट अच्छे से किया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। देन जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस, फीलिंग ऑफ वननेस, हार्मनी बिटवीन द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इंक्रीजेस, तो ये सब चीजें, ये बेनिफिट्स आ जाएंगे। तो आप अपने लैंग्वेज में भी देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के, बिकॉज आपको पता है गुजरात बोर्ड के अंदर बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द HR मैनेजमेंट। फिर आ जाता है आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बिकॉज हर एक एक्टिविटी विदाउट फाइनेंस इनकम्प्लीट है।
जो एक्टिविटी आपको करनी है, चाहे एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना है, चाहे मार्केटिंग करनी है, चाहे प्रोडक्शन करना है, चाहे पूरे बिजनेस की सक्सेस देखनी हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी करनी हो आपको, इन बिजनेस वी नीड फाइनेंस. असेट खरीदने हैं क्या, मतलब एवरी एक्टिविटी, एवरी ईच एंड एवरी एक्टिविटी, परचेज करना है, अपने को सेल्स करना है, सेल्स करने के लिए मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करना है, वी नीड फाइनेंस. एंड बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट यही रखती है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. फिनेंशियल मैनेजर इतना जबरदस्त का होना चाहिए बिजनेस के अंदर के पूरे अच्छे से फाइनेंस को मैनेज करे. इवन फिनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस एंगल से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आप देखते हो कि हमारी मम्मा किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं घर में, इवन हमारे पापा किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं अपने बिजनेस पे या अपने घर को कैसे हैंडल आउट करते हैं. तो ये सब चीजें आपके डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है कि आगे चलकर आपको अपनी पॉकेट मनी को कैसे मैनेज करना है. तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, भले यहाँ पे बिजनेस एंगल से बताया हुआ है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ, अभी तो हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. चलो, फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो फिनेंशियल मैनेजर के दिमाग में एक ही चीज फिक्स होती है कि यार मुझे ना अच्छे से सही पैसा सही टाइम पे मुझे चाहिए, सस्ते रेट पे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके और कम से कम अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल सके. So that is the purpose, that is a goal in the mind of financial manager. So financial management is all about the three pillars, three points. That is, first one, paisa kahan se laun, acquisition of the funds, and second one, utilization of fund, how to utilize, how to use these funds, and usko use kiya production mein aur resources wagaire mein aur fir sales wagaire kiya aur fir profit kamaya. अब प्रॉफिट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंस, एंड इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कितने रिजर्व्स रखें फ्यूचर के लिए हम लोग, कितना हम लोग डिविडेंड प्रोवाइड करें कंपनी में शेयर होल्डर्स को. तो हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए फंड्स का. तो ये तीन काम है, पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट ये तीन पिलर्स पे चलता है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स. Acquisition means acquire, कहाँ से पैसा लाए हम लोग, क्योंकि कंपनी में यू नो देर आर टू वेज, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स. और ओनर्स फंड्स इंक्लूड्स इक्विटी शेयर के थ्रू, इक्विटी शेयर हम मार्केट में सेल करके हम पैसा कलेक्ट करें, कैपिटल कलेक्ट करें, या प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, या फिर बोरोड फंड्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स, लोन, ये सब चीजें. ठीक है, सो देखना पड़ता है कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम पैसा ले, मार्केट सिचुएशंस कैसी चल रही है, शेयर होल्डर्स का एटीट्यूड लेवल, डायरेक्टर्स का एटीट्यूड, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है, उनकी उनके दिमाग में चीज क्या है. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं. सो कंपनी ये सब चीजें ध्यान रखती है, ऐसा नहीं मजाक है. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो फिनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है ना, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, सो फाइनेंस इज लाइक अ ब्लड ऑफ द बिजनेस, यू नो इट. एंड आ जाते हैं हम लोग उसके फंक्शन पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है. नीड, सबसे पहले तो भाई हमको कितना पैसा चाहिए, एंड डिसीजंस रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड कितना ओनर्स फंड होना चाहिए, कितना बोरोड फंड होना चाहिए. ठीक है, तो मैं कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड. सो हमको डिसाइड करना होता है, तो ओनर्स फंड और प्लस बोरोड फंड, तो ये देखना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे, उसके रिलेटेड डिसीजंस लेना. क्योंकि ओनर्स फंड अपने को ज्यादा करना है, मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हम लोग ज्यादा इश्यू करें मार्केट में, या फिर हम लोग डिबेंचर्स ज्यादा इश्यू करें मार्केट में. तो ये सब चीजों के रिलेटेड डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं. टू प्लान द टैक्सेस, टू प्रिपेयर द बजट, टू एलोकेट फंड्स भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना फंड्स एलोकेट करना है ताकि सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, कम से कम फंड्स और अच्छे से अच्छा उसका यूटिलाइजेशन. एंड टू मेंटेन प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इसको घूमना नहीं आएगा.
यस प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, कितने हम लोग फिर से बिजनेस में लेकर जाए पैसा और कितना हम लोग डिविडेंड दे हम लोग शेयर होल्डर्स को, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है. And to utilize the funds in the optimum manner. These are the basic functions of the financial management. तीन मार्क में आपसे पूछते तो छह तो इनफ है, बट मैंने साथ यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिए है. ओके सो लास्ट एरिया ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अब सबसे पहले पढ़े हम लोग प्रोडक्शन क्या होता है. सो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड दैट सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. बट व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट बस प्रोडक्शन के रिलेटेड प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, डिसीजन लेना, उसी को हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं. अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काम क्या होता है. टू डिसाइड द प्रोडक्शन प्लान. प्रोडक्शन प्लान हम लोगों को देखना पड़ता है. देन प्रोडक्शन रिसर्च, कैसे भाई प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से आजकल मार्केट में चल रहा है, कंपटीटर क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीजें अपने को देखनी पड़ती है. देन प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैसा चाहिए, उनका लेआउट कैसे होगा. क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल करना. देन टेक द डिसीजन रिलेटेड लोकेशन ऑफ फैक्ट्री, लेआउट ऑफ द मशीन. लेआउट मतलब डिजाइनिंग. आपको पता है ऐसे मशीनरीज का होता है ना, ऐसे सर्कल में सारी ऐसे अरेंज की हुई होती है मशीनरी, या फिर यू शेप में अरेंज की हुई होती है, या एल शेप में अरेंज की हुई होती है. तो ऐसे लेआउट अपने को डिसाइड करना होता है कि हमको कैसे भेजाना है. ठीक है. फिर टू मेक अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटीरियल. सो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इतना इनफ है. 3 मार्क्स के अंदर आपसे पूछते हैं तो इतना आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन की डिफाइन लिख के फंक्शन लिख दो, 6-7 बहुत हो गया. ठीक है. सो दैट्स इट, खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1. आई होप आपको समझ में आया हो. फटाफट से रैपिड रिविजन हम लोग ले रहे हैं, तो हम इतना ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते अभी के टाइम पे, क्योंकि हमको फास्ट रिकैप करना है बिकॉज टाइम कम है हमारे पास. और हाँ, मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगी कि आपको कुछ भी, कोई भी पॉइंट में अगर कुछ भी आपको समझना हो डिटेल में, या कोई भी आपको पॉइंट में आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं सॉल्व करूंगी आपका डाउट. और इवन जो भी कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होती है, मैं उसके ऊपर भाई नेक्स्ट डिटेलिंग के लिए लेक्चर भी लेना होगा तो मैं ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और सून मैं इवन 5 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी लिस्ट, देन इको में भी और OCBA के अंदर भी, तो इसकी भी मैं 5-5 मार्क्स वाले जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी लिस्ट मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी. ओके. सो दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you.